एक रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि बीएससी ऑनर केमिस्ट्री जां फिजिक्स की है वह की कर सकते हैं। साढ़े को जो इंस्ट्रक्शन ने गवर्नमेंट दिया ये है कि जेकर तुसी फिजिकल साइंस विच की है ऑनर इन फिजिकल साइंस है ना, फिर तुसी टीचिंग फॉर फिजिकल साइंस लै सकते हो नाल वो सब्जेक्ट जेड़ा तुसी वन ईयर पढ़िया होया है। जेकर इंग्लिश पढ़िया होया है नाल उसके इंग्लिश लै सकते हो, जेकर पंजाबी पढ़िया होया है नाल उसके पंजाबी लै सकते हो। सो फिजिकल साइंस तो ये बन रहा है। जेकर तुहाडी लाइफ साइंस के विच है ऑनर तां तुसी टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस लै सकते हो। लाइफ साइंस के नाल भी जे एक साल जिवें इदां पढ़िया है इंग्लिश तो पंजाबी जां इंग्लिश तो पंजाबी कोई भी है, फिर लाइफ साइंस तो इंग्लिश लाइफ साइंस या पंजाबी ये तुहाडा कॉम्बीनेशन बनेगा। इस तो इलावा होर कोई गाइडलाइन इस प्रोस्पेक्टस ने दित्तियां आप देख लेने हाँ। ए इन केस ऑफ कैंडिडेट हू हैव डन ओवर ए लैंग्वेज दी ऑनर दी गल है, और इन केस कैंडिडेट लैंग्वेज दी गल है, और ए हो गई है आप पढ़ लिया है। इसनों पढ़न तो बाद ए वाला एक ऑप्शन असी पढ़ सकते हाँ जेड़ा जरूरी है। द कैंडिडेट हैविंग ऑनर्स कोर्स शैल ऑप्ट फॉर मेजर सब्जेक्ट इन विच दे हैव ऑप्टेन्ड ऑनर, जिमें फिजिकल साइंस है तो फिजिकल साइंस मिलेगी, जे लाइफ साइंस है तो लाइफ साइंस मिलेगी। माइनर सब्जेक्ट शुड हैव बिन स्टडी एटलीस्ट फॉर वन ईयर, इसनों अंडरलाइन करना ना, वन ईयर है वन समेस्टर नहीं है। इस तो इलावा प्रोस्पेक्टस विच ऑनर दी कोई भी जानकारी नहीं है। क्वेश्चन है बीएससी आईटी वालों का कॉम्बिनेशन मेजर कंप्यूटर बनता है, सर मैं मैथ्स एज माइनर सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ, और अगर मैं एडिशनल सब्जेक्ट मैथ भी ले लूँ देन आई एम एलिजिबल फॉर टीजीटी मैथ और नॉट प्लीज। मेरे ख्याल में ये नहीं क्लियर हुआ, पहले आपकी एलिजिबिलिटी ये देख लें। यहाँ पर बी सी एंड बी एस सी आई टी ग्रेजुएट, कंप्यूटर एजुकेशन एंड लैंग्वेज आपका बन रहा है और कंप्यूटर एजुकेशन मैथ बन रहा है। मैथ आप ले लेते हो, मान लीजिए आप इसको ऑप्ट कर रहे हैं, है ना। देखिए दो बातें हैं, आप अगर मैथ लेते हो तो आपको एडिशनल मैथ देना पड़ेगा, बीए या बीएससी कुछ भी कह लीजिए, तीन साल के इलेक्टिव के पेपर वो साथ देने पड़ेंगे, उसके बाद आप मैथ्स के लिए टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ओके, अगर एमएससी मैथ्स उसके बाद करते हो तो पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके इसलिए आप मैथ अगर चूज करते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है कि तीन साल के इकट्ठे पेपर देने हैं। आप उसके लिए सिलेबस को ज़रूर देखिए, जो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके सिलेबस को देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको डाइजेस्ट हो रहा है, अगर डिफ़िकल्टी लगती है और एवेल्युएट करना है तो उसके पिछले पेपर देखिए। अगर और कुछ देखना है तो आप देखिए कि यूनिवर्सिटी के जो टॉपर हैं या मेरिट लिस्ट है, नॉर्मल पास फेल है, रिजल्ट जो है उसको कंपेयर कर सकते हैं एमएससी का, सॉरी एमए का जो मैथ्स वाला है, अगर किसी का एक्सपीरियंस है उससे ले सकते हैं। तो इधर थोड़ा इजी है, कंप्यूटर साइंस आपका कंप्यूटर एजुकेशन हो गया, लैंग्वेज है लैंग्वेज, आपने फॉर एग्जांपल इंग्लिश ले ली है तो इंग्लिश के एडिशनल भी आपको तीन साल के देने होंगे, उसके बाद आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये रिलेटिवली ईजी है, ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपका एरिया अगर यही है तो आपको यही प्रेफर करना चाहिए। तो कंप्यूटर एजुकेशन के लिए आप एलिजिबल ही हो, मिनिमम वन आपको एडिशनल देना ही पड़ेगा। वापस चलते हैं यहाँ पर, ये रहा तो सर बीएससी आईटी वालों को कॉम्बिनेशन मेजर कंप्यूटर बनता है, सर मैं मैथ्स एज ए माइनर सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ, ठीक है यही बात मैंने बोली है। अगर मैं एडिशनल सब्जेक्ट मैथ भी ले लूँ, हाँ आपको एडिशनल फिर करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक हो आप। सर होम साइंस ते प्लीज़ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इस ते ऑलरेडी वीडियो बनाया है, मेरे ख्याल नीचे लिंक दिता होएगा देख सकते हो। इस तो इलावा जो डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस विच दिता होया है दो ही कॉम्बिनेशन तुहाडे बंदे हैं, होम साइंस तुहाडा मेजर सब्जेक्ट रहेगा नाल लैंग्वेज, लैंग्वेज तुसीं जिहड़ी एक साल पढ़ी है नॉर्मली इंग्लिश ते पंजाबी ही असीं पढ़ी हुंदी है। सो इंग्लिश तुहाडा होम साइंस ते इंग्लिश एक बंदा है, होम साइंस ते पंजाबी दूजा बंदा है। जेकर जनरल पढ़िया होया है तो एडिशनल पेपर देना पेगा इंग्लिश का,
जेकर पंजाबी जनरल पढ़िया है तो एडिशनल पेपर 3 साल का पंजाबी का देना पड़ेगा। ड्यूरिंग बी एड भी दे सकते हो, एडिशनल के बारे में वीडियो नीचे दिते गए हैं वो तुसी देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन तुहाडी होम साइंस से साइंस है, साइंस क्योंकि प्रैक्टिकल सबजैक्ट है, प्रैक्टिकल सबजैक्ट के एडिशनल पेपर नहीं होंगे। जेकर गवर्नमेंट जॉब लई यही साइंस मनी जाती है तां ठीक है, मेरे ख्याल च नहीं मनी जाती, इस दे बारे देखना पड़ेगा। एडिशनल पेपर कोई शायद ही कोई यूनिवर्सिटी लेंदी होए, जे लेंदी होएगी तो नैचुरली साइंस तुहानू औखी होएगी, एडिशनल पेपर इंग्लिश का पंजाबी का देना सौखा होएगा। जेकर ज़्यादा रुझान है एडिशनल पेपर हुंदा है तां तुसी ये प्रैफर कर सकते हो। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ सारिया यूनिवर्सिटी लैंग्वेज का एडिशनल करवाती है, लेकिन बहुत घट होएगी जां कोई भी नहीं होएगी साइंस का जो करवाती है। दैट इज़ वाई साड़ी प्रेस फर्स्ट प्रेफरेंस होम साइंस लैंग्वेज बनती है, इंग्लिश जां दूजी मदर टंग। इस तो इलावा कोई होर क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। थैंक यू।